नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। बेंगलोर में 6 जनवरी से लॉकडाउन शुरू, स्कूल बंद रहेंगे, रियासत भर में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, नाइट कर्फ्यू में तवस्सी शुरू, आवाम के लिए दोनों कोविड वैक्सीन लेना ज़रूरी हो गया है। रियासत में कोविड की रोकथाम के लिए आज हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि 6 जनवरी से आइंदा 2 हफ्तों तक जुम्मा की रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे वीकेंड कर्फ्यू नाफिज रहेगा। रोज़ाना 10 बजे से दूसरे दिन सुबह 5 बजे जो नाइट कर्फ्यू पहले से है वो आइंदा 2 हफ्तों तक नाफिज रहेगा। 10वीं क्लास, 12वीं क्लास छोड़कर दीगर तमाम जमातों के लिए कल से स्कूल बंद हो जाएंगे। अवामी मकामात जैसे कि सिनेमा थिएटर, शॉपिंग मॉल, पब, बार में सिर्फ 50% तादाद ही की इजाज़त रहेगी। आज वजीर आला ने कोविड के सूरत हाल की एक मीटिंग बुलाई जिसमें ये फैसला लिया गया है कि हर हाल में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। रेवेन्यू मिनिस्टर अशोक ने बताया कि रियासत में पॉजिटिव मामलात की शरह 3% बढ़ गई है। 20 से 50 साल के लोगों में वायरस ज्यादा हावी हो रहा है, इससे लॉकडाउन करना जरूरी हो गया है। शादी ब्याह के तकरीबात में खुली जगह 200 लोग और हाल के अंदर 100 लोगों को ही इजाजत रहेगी। इनमें शिरकत करने वालों के हर फर्द को कोविड वैक्सीन के दोनों खुराक लेना जरूरी है। पड़ोसी रियासत से आने वाले इनके पास जांच रिपोर्ट लाजिमी है। लॉकडाउन के अहम इशारे, पूरी रियासत में कोविड रहनुमा उसूलों के तहत रात 10 बजे तक, दूसरे दिन सुबह 5 बजे रात का कर्फ्यू रहेगा। तमाम दफ्तर पीर ता जुम्मा 5 ही दिन काम करेंगे। गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में अंडर सेक्रेटरीट के रुतबे से नीचे वाले अफसरान के सिर्फ 50% तादाद में काम करेंगे। तमाम रियासत में जुम्मा की रात 10 बजे का पीर सुबह 5 बजे वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मेट्रो रेल अपने नए औकात के मुताबिक काम करेगी। बेंगलुरु शहर ज़िले में तमाम स्कूल और कॉलेज 6 जनवरी से बंद रहेंगे। सिर्फ 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात चलेगी। इसके अलावा मेडिकल, पैरा मेडिकल कॉलेज चलेगी। पब, क्लब, रेस्टोरेंट, होटल में सिर्फ 50% तादाद ही को कोविड एहतियाती तदाबीर के साथ और दोनों कोविड वैक्सीन लिए हुए लोग ही इसमें दाखिल होने की इजाज़त है। सिनेमा थिएटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, रंग मंदिर, इस तरह के मकामात में सिर्फ 50% सीटें ही पूर की जा सकती हैं और इसके लिए दोनों कोविड वैक्सीन लेना ज़रूरी है। शादी ब्याह में खुली जगह 200 लोग और बहाल के अंदर 100 लोग कोविड रहनुमा उसूलों के तहत और दोनों कोविड वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। इबादत गाहों में एक ही वक्त में सिर्फ 50 लोगों को इबादत की इजाज़त और इन तमाम को दोनों कोविड वैक्सीन लेना ज़रूरी है। यानी नमाज के अवकात जब आप मस्जिद में नमाज के लिए जाएंगे वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने दोनों कोविड वैक्सीन ले चुके हैं। शॉपिंग मॉल और अलग थलग जगह रहने वाली दुकानें मामूल के मुताबिक हफ्ते के दोनों दिनों में खुली रह सकती हैं। स्विमिंग पूल और जिम में दोनों वैक्सीन ले के अफराद को सिर्फ 50% तादाद ही की इजाज़त है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम में सिर्फ 50% तादाद की इजाज़त है। तमाम रैलियाँ, धरना, एहतजाज सब बंद। केरला और महाराष्ट्र की सरहद पर करीबी निगरानी रहेगी। ज़राए अबलाग, अखबारात, आईटी कंपनी और दीगर तमाम सन्नतों और कारखानों के मुलाजमीन यानी काम करने वालों को कर्फ्यू के दौरान आईडी कार्ड दिखाकर ड्यूटी के लिए जा सकते हैं। हंगामी सूरत में मरीज अपने घर वालों या किसी भी दूसरे फर्द के साथ कोई भी आईडी बताकर हॉस्पिटल जा सकते हैं। अनाज, सब्जी, तरकारियां, गोश्त, मछली, राशन, दूध की दुकानें खुली रह सकती हैं। इसी तरह टेले गाड़ी वाले अपना व्यापार कर सकते हैं। होम डिलीवरी की 24 घंटे इजाज़त रहेगी।
होटलों और रेस्टोरेंटों में सिर्फ पार्सल की इजाज़त रहेगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बसें, ट्रेनें, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट से मुसाफिर को लाने ले जाने की इजाज़त रहेगी। इस दौरान सफरी दस्तावेज बताना ज़रूरी है। नाजरीन, BBMPI ने बेंगलुरु के हदूद में हर एक असम्बली हलके में कोविड केयर सेंटर कायम करने BBMPI ने फैसला ले लिया है, क्योंकि बेंगलुरु शहर और बिलखसूस BBMPI के हदूद में कोविड मामला तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन हालात में हर असम्बली हलके में एक कोविड केयर सेंटर की ज़रूरत है, इसलिए जगह की निशानदेही की जा रही है। बेंगलुरु में कोविड पॉजिटिव मामला दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। पिछले कोविड लहरों में जिन असम्बली हलकों में कोविड केयर सेंटर बनाए गए थे, इनके अलावा दीगर तमाम असम्बली हलकों में भी कोविड केयर सेंटर की निशानदेही की जा रही है। असम्बली हलके में कोविड केयर सेंटर का नाम, पता, बिस्तरों की तादाद, ऑक्सीजन सहूलत वाले बिस्तरों की तादाद, ऑक्सीजन सिलेंडर की तादाद, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की तादाद, तमाम चीज़ें जमा करने के लिए चीफ हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बाला सुंदरा को BBMPI ने हिदायत दे रखी है। नाजरीन, रियासत में 2470 पौनाव कोविड मामला, 4 हिलाक हो चुके हैं। बेंगलुरु में 2053 मुतासरीन मौजूद हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत में 2470 पौनाव कोविड पॉजिटिव मामला रोनुमा हुए हैं, 4 अफराद हिलाक हुए हैं। बेंगलुरु में 2053 अफराद को कोविड में मुबतला हो चुके हैं। ये इत्तलात महकमे सेहत व खानदानी बहबूद ने दी है। बेंगलुरु में पॉजिटिव मामलात की शरह 2.59 हो गई है। रियासत में कुल महलुकीन की तादाद 30/8,350/5 हो गई है। आज 280/8 अफराद सेहत याब होकर हॉस्पिटलों से रुख्सत हुए हैं। नाजरीन, आप तमाम से मेरी ये अपील है कि आप इस वबा यानी ओमिक्रोन की जद में आने से बचें। हुकूमत की जानिब से जो पाबंदियां आयद की गई हैं, आवाम को ओमिक्रोन से बचा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आवाम अपना इरादा कर ले, इन पाबंदियों को सख्ती से लेते हुए इस पर अमल करेंगे, तब ही ओमिक्रॉन वबा से हम बच सकते हैं। ओमिक्रॉन से बचने का सबसे अच्छा बेहतरीन ज़रिया ये है कि हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, मास्क पहने, और जब जब हम बाहर से घर जाएं उस वक्त सैनिटाइज करें अपने हाथों को, साबुन या किसी और शैम्पू से हाथों को बार बार धोते रहें, हुजूम में ना जाएं। इन तमाम चीज़ों से बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब आवाम ख़ुद फैसला करना है कि हालात के संगीन होने का इंतज़ार ना करें, बल्कि पहले ही से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके ख़ुद को, अपने आप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने शहर वालों को इस वबा से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंस का रखना बहुत ज़रूरी है। जब बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन कर निकलें, जब घर आएँ तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और हुजूम में जाने से आप एहतियात बरतें।